बात करेंगे दोस्तों मोटिवेशनल पोस्ट और जो जीके पोस्ट हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, जो इंस्टा पे आपने बहुत बार देखी होंगी, बड़े अच्छा कंटेंट डालते हैं लोग वाक, और जो मोटिवेशन पोस्ट है वो किस तरीके से बनाते हैं। इस तरह की पोस्ट आपको जो शो हो रही है स्क्रीन पे, आपको दिख रही है, इस तरीके की पोस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको क्लियर इस वीडियो में बताएंगे। तो आप पक्का इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट बनाना सीख जाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको सबसे पहले आपको पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हम पिक्सल लैब पे आ चुके हैं। आप पिक्सल लैब पे आने के बाद में आपको क्या करना है, थ्री डॉट वाले आइकन पे जाना है। थ्री डॉट वाले आइकन पे जाने के बाद में आपको इमेज साइज में जाना है। इसमें साइज में जाने के बाद में आपको यहाँ साइज रख लेनी है 1050, और इधर रख लेनी है आपको 1380, और डन कर देना है। साइज कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, साइज कंप्लीट करने के बाद में आपको इस बारे आइकन पे जाना है और नेट से इस बारे पे कर देना है। यह करने के बाद में आपको फिर यह करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको इस पे जाना है, और यहाँ से आपको ब्लैक पीएनजी डाउनलोड बना लेनी है। इस तरीके से जो ब्लैक पीएनजी है वो कंप्लीट हो चुकी है एक साइड, और फिर आपको इसको राइट कर देना। राइट करने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करना है आपको, सेव करते समय एक बात का ध्यान रखना कि है ये इसमें अल्ट्रा कर लेना। सेव करते समय अल्ट्रा करने के बाद में आपको सेव कर लेना गैलरी में सेव। तो ये सेव हो चुकी है। सेव करने के बाद में आपको बैक आ जाना है, और इसको बैक आ जाने के बाद में आपको बैक आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ जाना है प्लस वाले, यहाँ जाना है फिर साइज वाले। इस साइज वाले ऑफ थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में साइज में जाना है, और यहाँ से फिर साइज करना 1050, और यहाँ साइज कर लेना 1380, और डन कर देना। यह करने के बाद में आपको फिर जाना है जो आपने इमेज सिलेक्ट कर रखा है, आपका वहाँ इमेज है वहाँ जाना। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद में आपको यहाँ से फिर आपको इधर जाना है, और इधर जाने के बाद में आपको मिलेगा, इधर जाने के बाद में आपको इंपोर्ट पे जाना है, जहाँ आपने जो इमेज यूज करना चाहते हैं वहाँ से वो फोटो भी, जो भी इमेज फोटो है वो उसको ले लेना है। यहाँ जाने के बाद में आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, आपका जहाँ इमेज है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया जी। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट करने के बाद में आपको यह बिल्कुल एडजस्ट करने के बीच में कर लेना, इसमें एडजस्ट करने से और ये दिखने लगे सही तरीके से। फिर आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद में फॉर्म गैलरी में जाना है। फॉर्म गैलरी में जाने के बाद में आपको फिर क्या करना है, जहाँ आपने जो पीएनजी सेव कर रखी है वहाँ जाना, और यहाँ से ये पीएनजी ले लेना। पीएनजी लेने के बाद में आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है। ये एडजस्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का लुक दिखाएगा। इसके बाद में आप इसको इमेज है एक दूसरे की इधर उधर ना हो, इसलिए आपको यहाँ जाना इस वाले आइकन पे, और यहाँ से लॉक लगा लेना। अब ये इधर उधर नहीं होगी। फिर यहाँ जाना प्लस वाले आइकन पे, और टेस्ट पे जाने के बाद में यहाँ से आपको टाइप करना है जो भी आप मोटिवेशनल या जीके पोस्ट बनाते हो, उस जो भी टॉपिक है आप उस टॉपिक पे टाइप करना। दोस्तों यहाँ आपको टाइप करना है, तो टाइप वाले पेन वाले आइकन पे जाएंगे। पेन वाले आइकन जाने के बाद में यहाँ से आपको टाइप करना है, तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ। तो ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद में इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में आपको ये एडजस्ट मैंने कर लिया। एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ से जाना है, इस वाले आइकन पे जाना है। इस वाले पे जाने के बाद में आपको कलर में जाना है, यहाँ से कलर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कलर एडजस्ट कर लिया है, और फिर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ जाके आप फ़ोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़ोन सिलेक्ट कर लिया है। फ़ोन सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह का कुछ लुक दिखाएगा, ये लुक दिखने लगेगा। तो इस तरीके का लुक दिखेगा, और
इसके बाद में फिर प्लस वाले आइकन पे जाना है और फिर टेस्ट पे जाना है और फिर पेन वाले आइकन पे जाना है और फिर यहीं आके आपको फिर टाइप करना है। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद में ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद में फिर यहाँ आपको उसको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में जी एडजस्ट कर लिया, फिर इसको फ़ोन पे जाना और फ़ोन में जाने के बाद में फ़ोन सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप कलर वाले कलर में जाना और कलर जैसे कलर एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ मैं कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कलर एडजस्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी आप जिस चीज़ पे पोस्ट करते हो उसका नाम लोगो इस पर दे सकते हो पोस्ट पे। मैं फटाफट में कर लेता हूँ कंप्लीट। तो दोस्तों कंप्लीट बनने पर कुछ इस तरह का लुक दिखेगा जो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरीके से मोटिवेशनल पोस्ट और जीके पोस्ट बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।